हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते थे इस वीडियो में मैंने शामिल कर लिया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इससे आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और करंट अफेयर्स करने से पहले हम जो मई में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए थे उनको एक बार देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और इसकी थीम थी सस्टेनेबल पेंशन फॉर ऑल द रोल ऑफ सोशल पार्टनर्स। 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और इसकी थीम थी मीडिया फॉर डेमोक्रेसी जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन। 7 मई को मनाया गया था विश्व अस्थमा दिवस और इसकी थीम थी स्टॉप फॉर अस्थमा। 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस दिवस और इसकी थीम थी हैशटैग क्लब। और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया था। 11 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसकी थीम थी प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाया गया था। और 12 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और इसकी थीम थी नर्स ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और इसकी थीम थी फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13। 16 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 18 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और इसकी थीम थी म्यूजियम्स एज कल्चरल हब्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन। 20 मई को मनाया गया था विश्व माप विज्ञान दिवस और इसकी थीम थी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फंडामेंटली बेटर। 22 मई को मनाया गया था विश्व जैव विविधता दिवस और इसकी थीम थी अवर बायोडाइवर्सिटी अवर फूड अवर हेल्थ। तो दोस्तों, अब हम करते हैं करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न आप यहां पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत 2018 में कौन से स्थान पर रहा। तो इसमें भारत रहा 4th स्थान पर। पहले स्थान पर रहा USA, दूसरे स्थान पर रहा चीन, तीसरे स्थान पर रहा सऊदी अरब और चौथे स्थान पर रहा भारत। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत हथियार आयात करने के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न, लंदन मैराथन 2019 का खिताब किसने जीता। तो लंदन मैराथन 2019 का खिताब जीता एलियूड किपचोगे ने, और एलियूड किपचोगे ये केन्या के हैं। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जयश्री व्यास को। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में किस रंग की प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हरे रंग की प्लेट। तो केंद्र सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों में हरे रंग की प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न, कहा कि संसद ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, और ब्रिटेन जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इराक। तो इराक वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रहा था। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने नाटो सैन्य गठबंधन के शीर्ष सैन्य अधिकारी के रूप में शपथ ली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है टॉड डी वाल्टर्स ने। टॉड डी वाल्टर्स ये अमेरिका के हैं। तो टॉड डी वाल्टर्स ने नाटो सैन्य गठबंधन के शीर्ष सैन्य अधिकारी के रूप में शपथ ली है, और नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न, इसरो 2020 की शुरुआत में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक जांच भेजने की योजना बना रहा है, इस मिशन का नाम क्या होगा। तो इस मिशन का नाम होगा आदित्य L1। और इस वीडियो की PDF भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मलेशिया में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सौरभ घोषाल ने। और इन्होंने पुरुषों का खिताब जीता है मलेशिया में आयोजित एशियाई व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप में, इन्होंने पुरुषों का खिताब जीता है सौरभ घोषाल ने। अगर बात करें महिलाओं का खिताब किसने जीता, तो महिलाओं का खिताब जीता
भारत की ही जोशना चिनप्पा ने। अगला प्रश्न, G7 राष्ट्रों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फ्रांस में। अगला प्रश्न, किस राज्य में 24 घंटे दुकानें खुली रखने के लिए अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न, IBSA शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो IBSA शेरपा बैठक ये संपन्न हुई थी कोचीन केरल में। IBSA इसकी फुल फॉर्म है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पहली बार एंटी नक्सल वुमेन कमांडो यूनिट का गठन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ पर आयोजित की गई? तो भारत की पहली मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है PR रामचंद्र मेनन। अगला प्रश्न, 12वें IPL का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह आप सभी को पता होगा, मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में हराया था चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से। अगला प्रश्न, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? तो मैड्रिड ओपन का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। मैड्रिड ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और अगर बात करें मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब जीता था नीदरलैंड की किक्की बर्टेंस ने। नीदरलैंड की किक्की बर्टेंस ने। और नोबाक जोकोविच इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने। और अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो महिला एकल का खिताब जीता था जापान की नाओमी ओसाका ने। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन है तिजानी मोहम्मद बंदे को। तिजानी मोहम्मद बंदे ये नाइजीरिया के हैं, तो इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये इंग्लैंड के हैं और ये मर्सिडीज के चालक हैं। अभी तक 7 ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है, जिसमें से 5 लुइस हैमिल्टन ने जीता है और 2 वाल्टेरी बोटास ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, चीनी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स और कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स ये 5 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये 2 वाल्टेरी बोटास ने जीता है। और वाल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज के ही चालक हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो ए से शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, जो ए से शुरू होता है उसको जीता है वाल्टेरी बोटास ने, और बाकी 5 ए से शुरू नहीं होते हैं उसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगर अपने भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो भारत पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया सलमान खान को, और फोन पे ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था आमिर खान को। तो भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान और फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। अगला प्रश्न, CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है विराट कोहली को। अगला प्रश्न, ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी GS लक्ष्मी। तो भारत की GS लक्ष्मी ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकपाल की वेबसाइट www.lokpal.government.in लॉन्च की गई, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो 2023 एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, सही आंसर ऑप्शन डी चीन।
अगला प्रश्न है, सिरिल रामफोसा को किस देश का पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका का। और सिरिल रामफोसा इस बार के भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर को किस देश की पुरुष बल्लेबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर समुद्री रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सिंगापुर में। समुद्री रक्षा प्रदर्शनी इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था और इसमें भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत INS कोलकाता और INS शक्ति ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका ने शीर्ष 10 नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में किस इंडियन यूट्यूबर को शामिल किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है, अजय नागर। इनका एक यूट्यूब चैनल है कैरी मिनाटी, तो अजय नागर को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विराट कोहली। तो विराट कोहली सोशल मीडिया पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं, और ये पहले क्रिकेटर बने हैं 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले। और अगर बात करें किस स्पोर्ट्स पर्सन के सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके 365 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मसाला बॉन्ड में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो मसाला बॉन्ड में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। अगला प्रश्न, जोको विडोडो को किस देश का पुनः राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। अगला प्रश्न, हाल ही में जोखा अल हार्थी ने मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, वे किस देश की हैं? तो जोखा अल हार्थी ये है ओमान की, और इनकी एक बुक है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो इन्होंने अपनी बुक सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, और मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ये पहली अरबी भाषा की लेखिका है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे दुबई में ग्लोबल एशियन अवार्ड 2018-19 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, हेमा दिवाकर को। अगला प्रश्न, बाल अधिकार सूचकांक में भारत 181 देशों में से कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 117वें स्थान पर। बाल अधिकार सूचकांक यानी कि किड्स राइट इंडेक्स, इसमें भारत रहा 117वें स्थान पर। पहले स्थान पर रहा आइसलैंड और दूसरे स्थान पर रहा पुर्तगाल। अगला प्रश्न, फाइटर जेट पर डे मिशन में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, भावना कांत। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने DN पटेल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए मंजूरी दी है? तो DN पटेल ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल साहिन 2 का सफल परीक्षण किया है? तो बैलिस्टिक मिसाइल साहिन 2 का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं N चंद्र बाबू नायडू। अगला प्रश्न, वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की ये यूक्रेन के नए राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, नवीन पटनायक किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पांचवी बार नियुक्त हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ओडिशा। नवीन पटनायक ये लगातार पांचवी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो जमात उल मुजाहिदीन ये बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन था, आतंकवादी संगठन है, तो इस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न, माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते ये महाराष्ट्र की हैं।
तो माउंट मकालू पर चढ़ाई करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। माउंट मकालू ये दुनिया का पांचवा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न, ट्रैक्टर निर्माता कंपनी TAFE ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अक्षय कुमार को। अगला प्रश्न, हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग। इनसे पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो कि 24 सालों से सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। तो अगर कभी पूछ लिया जाता है कि किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो आंसर होगा पवन कुमार चामलिंग, जो कि 24 सालों से सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। तो अब सिक्किम के नए मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो इसका आंसर होगा लुईस हैमिल्टन। मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हैं उसको लुईस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न, ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने पाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपूर्वी चंदेला ने। ISSF वर्ल्ड कप इसका आयोजन जर्मनी के म्यूनिख में किया गया था, तो इसमें 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता अपूर्वी चंदेला ने। ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अगला प्रश्न, चीन ने किस देश को हराकर सुधीर रमन कप 2019 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। चीन ने जापान को हराकर सुधीर रमन कप 2019 का खिताब जीता है। सुधीर रमन कप ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑन व्हील्स ये सुविधा शुरू की, इसका सही आंसर ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हाल ही में स्कॉट मॉरिसन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, RBI ने RTGS के लिए वर्तमान समय 4:30 शाम से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 6 बजे तक। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न, नए नौसेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो नए नौसेना प्रमुख बन गए हैं करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर 24वीं बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा कामी रीता ने। कामी रीता ये जापान के हैं। तो जापान के कामी रीता ने माउंट एवरेस्ट पर 24वीं बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों, ये थे मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।